जी आलम, कैसे आना हुआ? नोट्स बांटने के लिए? ये सॉफ्ट में डाउनलोड कर लेंगे, छोड़ो पर इनको क्या फिजिकल बांटना है। यार हाथों की, यार दुनिया पर किताबें खत्म हो रही हैं, बाहर की दुनिया के लोग मिले, बच्चे 7वीं 8वीं क्लास वाले वो हैरान हो रहे होते हैं कि किताब पकड़ के बैठा हुआ है। किताबें तो खत्म हो रही हैं दुनिया से। नहीं, हमें हार्ड में चाहिए, हम तो गले लगा जब तक ना लगाएं तब तक मजा ना आए सफ़े को। बस रख दो तीनों क्लासों में एंड पे बच्चे गिन के। ओके, अब मेरा ये तजर्बा है कि 70 से 80% बच्चे करंट टैक्स की वर्किंग को ट्राई करते हैं कि इस साल अकाउंटिंग वालों ने खर्चा बुक कर लिया, टैक्स वालों ने माना नहीं, तो करंट टैक्स खुद सोचते हैं फिर, और फिर अगले साल का भी जरा खुद सोचते हैं। तो मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप करंट टैक्स की वर्किंग गंदी सी कहीं रफ में ट्राई करें। करंट टैक्स की वर्किंग देना डस्टर। ठीक है आलम, बस ओहो बांटना ना शुरू करो यार, एंड में रखे चले जाओ, बस ये ले जाएंगे। कितना है प्रॉफिट? 100%। छोड़ो भाई, बांटना बंद करो, ट्राई करें जरा। एक बार याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों के खर्चे या उनकी इनकम्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। पहली क्लास क्वेश्चन 1 किया था, लॉस ऑन बिल्डिंग बला बला। 21 में अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा माइनस किया हुआ है? टैक्स वाले कहेंगे पे हो गया 21 में, हम कहेंगे नहीं पेबल है अभी। वो कहेंगे यार फिर माइनस ना करो, हम कहेंगे जान दो यार। उन्होंने कहा नहीं, ये जान दो वाला प्रोग्राम नहीं रखा हुआ, तो उन्होंने कहा यार माइनस तुमने कर लिया, ना करो माइनस। तो अब आप क्या करते हैं, उनके कहने पे ऐड कर देंगे, ऐड खर्चा जो माइनस किया हुआ है। मैं एक्सपेंस का लफ्ज लिख रहा हूं, अल्फाज पे फोकस करें, खर्चा उल्टा आ रहा हूं, क्योंकि अकाउंटिंग वालों की नजर में खर्चा था, टैक्स वालों ने कहा एड बैक करके अपने प्रॉफिट को आसमानों पे ले जाओ। हमने कहा क्यों? कहते हैं इसलिए कि ये खर्चा भी हम आपको माइनस नहीं करने देंगे। जिस खर्चे को हमने खर्चे में डाल लिया, टैक्स वाले कह रहे हैं अभी ना डालो, उस खर्चे को उल्टा देना ही मुनासिब है। आप मोटरसाइकिल घर से बाहर खड़ी कराए, अम्मी ने कहा बेटा नहीं करनी थी, वापस अंदर ले आए, आपने खर्चा माइनस कर दिया, टैक्स वाले ने कहा ना 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 पुत्र ना, आपने कहा चलो ठीक है फिर उल्टा दे। अगले साल अकाउंटिंग वालों ने खर्चे में नहीं डाला, टैक्स वालों ने प्यार से कहा कर लो माइनस, कर लो डाल लो बेटा, कर लो तो मसला नहीं, कर लो ना कर लो माइनस, क्या क्या याद करोगे, कर लो माइनस।
हमने कहा नहीं नहीं हमने खर्चे में बुक नहीं किया हुआ, कर लो खर्चे में बुक। अब हमने माइनस नहीं किया हुआ, अब मैं माइनस करूंगा तो डबल माइनस हो जाएगा। नहीं, डबल माइनस कैसे होगा, डबल माइनस हो ही नहीं सकता, हमने माइनस ही नहीं किया अकाउंटिंग वालों ने। हम अकाउंटिंग के लिए लफ्ज यूज होगा क्योंकि मेरे ख्याल से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, तो हमने माइनस नहीं किया हुआ। टैक्स वाले कहते हैं इट इज अलाउड व्हेन पेड, माइनस करो जब पे करो। हमने कहा नहीं किया, उन्होंने कहा करो। हमने कहा नहीं किया, उन्होंने कहा करो। हमने कहा ओके। क्या मैं बस का कंडक्टर लगा रहा हूं? तू क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? ये आया है 2 महीने बाद, पहले 1.5 महीने बाद आयो, क्या कर रहे थे घर में? अच्छा बताऊंगा तुझे, आपको बता दूंगा। हम अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चा बुक किया इस लाख तक, इस लाख तक 22 में कोई खर्चा नहीं बुक किया। टैक्स वालों ने कहा इट इज अलाउड, कर लो माइनस व्हेन पेड। हम कहते हैं चलो ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं। आप बोलें 80,000, इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। तुम्हें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन सी लागे, ऊपर लाख नीचे 48, ऊपर लाख नीचे 32, 148, 132, उठ 32। अब कल वाला काम, पी हैंडल बनाते हैं, बनाना मकसूद नहीं है वैसे, सेल से शुरू हुआ होगा, पीबीटी एक लाख लेस टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स जी 48,000, 32,000। अब अगर मैं पैट निकालूं तो अजीब सा पैट आएगा, लेकिन बहरहाल जगह छोड़ देते हैं। एंट्रीज किस साल की, एंट्रीज तो हम पहले करते हैं, किसकी पहले, 22 में जी। खर्चा वैसे खर्चा दोनों सालों का होना कितना चाहिए था, 40,000, 40,000 खर्चा दोनों सालों का होना कितना चाहिए था, 40,000 बात सबसे होगी है, पूर्वकार जिंदगी गुजारनी है, आज के बाद कोई शिकायत का मौका ना मिले, आपकी क्लास के बच्चे के बारे में कोई बंदा कुछ बताए मत मुझे। ओके अच्छा जी, अगली चीज, एक तो वो टाइम ज़ाया किया जो कल वाला, वो वाला करके देखते हैं, लेकिन उस अप्रोच को हमने यूज़ नहीं करना, हमने डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाना है आज, तो कल वाली तरह ट्राई करते हैं जो चीज़ें थी। होमवर्क में सवाल मिले 100, आप रुस्तम खान थे, 120 करके सो गए, अगला होमवर्क भी कर लिया ना, अगला होमवर्क भी कर लिया, जिससे कुछ लोगों ने IFRS 9 के सवाल करने शुरू कर दिए हैं। तो आपको होमवर्क में सवाल मिले 100, आप कितने करके सोए,
एंटाइटल्ड फील करेंगे या लायबल फील करेंगे? एंटाइटल्ड फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, फ्यूचर में मैं कम सवाल करूंगा। फ्यूचर में लायबल फील करेंगे या फ्यूचर के लिए एंटाइटल्ड फील करेंगे? फ्यूचर में सेविंग महसूस करेंगे टैक्स के एतबार से या लायबिलिटी महसूस करेंगे? विल यू फील योर सेल्फ डेफर करके लायबल या डेफर करके रिसीवेबल या एसेट? डेफर करके एसेट, एक एसेट टाइप आप फील करेंगे। सवाल कितने होमवर्क में मिले? 100। भाई आप जिस तरह क्लासें ले रहे हो नहीं चलेगा काम, मैंने इस तरह कभी लेके देखी नहीं वरना मैं आपको बताता। अच्छा तो होमवर्क में कितने सवाल मिले? 100। कितने करके सोए? शुड वी फील लायबल? नो, वी शुड फील अवर सेल्फ एंटाइटल्ड फॉर एनी बेनिफिट। वो बेनिफिट कैसे है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस तरीके से ना चलें, वो तरीका कल वाला है जो हम लगाएंगे। वो तरीका क्या है, एक वर्किंग कर लेते हैं। डेफर टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन एंड डेट वॉज वर्किंग नंबर 4 एंड वर्किंग नंबर 5 और इधर वर्किंग नंबर 6 ओपन कर लो। अच्छा बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट जाती है ना बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट टाइप चीज बनाने से पहले मुझे ग्रेच्युटी पेएबल अकाउंट बनवा दें जरा। ग्रेच्युटी पेएबल अकाउंट यार एंट्री से पोस्टिंग करवा दें, क्या देख रहे हैं, एंट्री से पोस्टिंग करवा दें। खर्चा डेबिट, पेएबल क्रेडिट, सबर क्या जल्दी है यार, 2021 को क्लोज तो कराओ। एक एंट्री पोस्ट कर दी है, बस एक ही एंट्री है, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, कितना? 20,000। ब्रॉड डाउन पेएबल खांसी की दुआ तो पता नहीं अभी तक मैंने भी नहीं सुनी कभी, लेकिन देख। अच्छा कैरी डाउन 0 बैलेंसिंग, सिंपल सा पेबल का अकाउंट को बना लेना। यार क्रेडिटर क्या होता था, इसे इधर देखें सारे, क्रेडिटर क्या होता था? परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, फिर कैरी डाउन ब्रॉड डाउन आ जाता था, फिर क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट। परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, अगले साल क्रेडिटर डेबिट। अच्छा जी तो ये जी अकाउंट है, ब्रॉड डाउन आपने 0 लेना है तो ले लें, वो पिछले साल तो ये बिजनेस ही नहीं था। इनके मुताबिक मैंने क्यों नहीं बनाया ग्रेच्युटी पेएबल का अकाउंट? ये ऐसी दुनिया है जिसका नाम है कैश अकाउंटिंग। ये ऐसी दुनिया है जिसका क्या नाम है? कैश अकाउंटिंग में ये 4 अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या अगर मैं पेएबल का अकाउंट बनाऊं भी तो पेएबल के अकाउंट की कोई तुक नहीं बनती, पेएबल किताबों में आना ही नहीं, बल्कि जो खर्चा है वही फौरन साथ पे हो रहा है। इन्होंने इस साल इसको पेएबल भी नहीं माना, क्योंकि अगर ये पेएबल मानते तो फिर खर्चा डेबिट करते, इसलिए इस अकाउंटिंग को वर्स्ट अकाउंटिंग कहा जाता है। दुनिया में ये पसंद नहीं है, ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो रही है टैक्स वाले। बहरहाल लाल किताब जो मर्जी करे, हम कौन है पूछने वाले, तो टैक्स लॉज जो भी बात कहेंगे सही गलत हमें वो माननी पड़ेगी। ओके आप बता दें जी, एक वर्किंग जो हम व्हाइट बोर्ड पर करते हैं वो क्या है? एज ऑन टाइप। आज बैलेंस शीट में क्या जाना है, पीपी या ग्रेच्युटी पेएबल? ग्रेच्युटी पेएबल। वर्किंग नंबर एज ऑन 31 December 20, शुरू में जगह छोड़ दे, एज ऑन 31 December 20। ये निची टाइप क्यों लिया, निच लेते प्रॉपर।
भाईजान हाथ खड़ा करके बताइएगा, कितने लोगों को पता चल गया था टेस्ट में क्वेश्चन के अंदर ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा था कि कुछ डेस्क आपने जो है उनके लिए सिंप्लीफाइड अप्रोच एग्जेम्पशन यूज़ नहीं की हुई, और जो नए डेस्क आप ले रहे हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म लीज होने के बावजूद भी आपने सिंपल अप्रोच यूज़ नहीं करनी थी, आपने आरओयू लीज लाइबिलिटी वाली अप्रोच यूज़ करनी थी, वो चीज़ बता पूछी गई थी टेस्ट में। ये सबसे सबसे टेक्निकल क्वेश्चन था। हमने एक दफा क्लास में, मैं कल कल सवाल खोल के बताऊंगा, हमने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आपने डिसाइड करना है ना ये शॉर्ट टर्म लीज है, तो पूरी क्लास पे डिसाइड करना है, ये नहीं कि कुछ चीजों पे डिसाइड कर लिया शॉर्ट टर्म लीज है और कुछ पे डिसाइड किया नहीं है। ये कॉन्सेप्ट गलती से आपसे पूछ लिया था, ये कि आपने कभी नहीं पूछा, लेकिन हमने टेस्ट में डिस्कस किया था। कितने लोगों को पता चल गया था हाइब्रिड में, जरा हाथ खड़ा करके बता दें, इधर तो किसी ने नहीं किया। कितने लोगों ने क्वेश्चन ही छोड़ दिया था, कितने लोगों से शॉर्ट टर्म लीज लिख के आ गए, शॉर्ट टर्म लीज है रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें। अच्छा दोनों लिख नहीं सकते थे ना, उसने बता दिया था मेरी पॉलिसी क्या चल रही है पिछली टेबलों पे। हा, रशीद पढ़ना पड़ेगा। ओके क्या लिखूं जी, पीपी या ग्रेचुटी पेएबल? टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। पहले साल अकाउंटिंग वालों की नजर में पेएबल है, क्योंकि वो लोग छोड़ के नहीं गए अभी, और यहीं से देख लें यार, कैरी डाउन 20,000 आ रहा है। जी जी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट होती है अकाउंटिंग वालों की नजर में। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट क्या शो कर रही है जल्दी बताएं। अगर ये क्लास होती इंट्रो की और टीचर कहते इस अकाउंट को बैलेंस शीट में शो कर दें, तो आप ये वाला कैरी डाउन ले जाते बैलेंस शीट में। अकाउंटिंग वालों की नजर में 20,000 रुपये पेएबल है। ना ना, टैक्स वालों की नजर में तो मैं आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। टैक्स वालों की नजर में, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज करें, दीज फोर अकाउंट्स। जो बंदा क्लास में ये दावा करता है कि मेरी नजर में 20,000 पेएबल है टैक्स वालों की नजर में, तो मैं उसे एक जवाब देने लगा हूं। अगर वो कहता है कि 20,000 मेरी नजर में पेएबल है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो ये सोचे कि अगर वो पेएबल बनाना चाह रहा है, तो फिर डबल एंट्री में उसे खर्चा भी बुक करना पड़ेगा। पेएबल ऐसे नहीं बनता, जब वो खर्चा बुक करेगा तो वो तो एक रूल अकाउंटिंग शुरू हो जानी है। पहली लॉजिक ये। दूसरी लॉजिक, इस एंट्री को बैलेंस शीट में पोस्ट कर दें और इस एंट्री से बताएं कितना पेएबल आ रहा है। इस एंट्री से पेएबल निकालें, निकाल के अंडा अक्सान ऐसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये स्टैंडर्ड के पैरास हाईलाइट करते करते मुझे रात पौने को गए थे। मैंने आपको बताया, मैं सो रहा हूं आपके सामने, मैंने आपको बताया टेस्ट के अंदर ये जो क्वेश्चन 2, 3, 4 ढूंढे थे, 1 तो पास पेपर का था, वो ढूंढते ढूंढते जो है वो रात को 12:30 बज गए थे फ्राइडे नाइट को। बताया मैंने आपको? चलो बताया नहीं बताया, मैं सोया तुम्हारे सामने, तो क्लास के बाद लेके आना इसको। 20,000 और सिफर का डिफरेंस लिया आज कैलकुलेटर के बगैर। फ्यूचर में सोचें आप सारी बातें, फ्यूचर में मैं वैसे ही खड़ा हुआ हूं। फ्यूचर में ये पेएबल क्या होगा? एक्सलेंट।
फ्यूचर में, कई दफा बात सादा होती है लेकिन आप पहुंच जाए तो भी बड़ी बात है, फ्यूचर में ये पेएबल क्या होगा? एंड इन फ्यूचर इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। टैक्स वालों की नजर में ही इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। डिडक्शन करंट टैक्स की वर्किंग में अगले साल, 14 तबक रोशन, डिडक्शन करंट टैक्स की वर्किंग में अगले साल माइनस होगी। लकीली हमें फ्यूचर नजर भी आ रहा है, वी आर वेरी लकी टुडे, हमें फ्यूचर नजर भी आ रहा है, फ्यूचर में ये माइनस हो रहा है। अलाउड एज डिडक्शन व्हेन पेड। आपने 13 तबक रोशन किए होंगे, 14वां भी ऑन करो भाईजान, आवाज का अरेंजमेंट करें वरना फिर कैमरे के सर पे ये अच्छा जिंदगी आप लोग गुजार रहे हैं इस तरीके से, कभी खुदा ना खास्ता आप जा रहे हो, आपका मोटरसाइकिल हो, आगे गाड़ी हो, अब कसूर गाड़ी वाले का होगा और आपके मोटरसाइकिल का पूरा रिम और वो पता नहीं 13 हो जाए और आप उतर के यार आज खीर होगी यार, देख यार क्या किया तूने यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना। नहीं सीरियसली ऐसे कितने लोग करें, रिलैक्स हो जाओ यार, यार देख यार क्या हाल है इसका यार, इतना जिंदगी गुजारा करें। हॉस्टल वाले ने खाना नहीं यार देखा तूने फिर लेट कर दिया। सीरियसली अगली दफा वो आपका ज्यादा ध्यान रखेगा। अच्छा चलें छोड़ें, तो आगे चलें। अच्छा भाईजान बताता हूँ, ये पेबल फ्यूचर में क्या होगा? रिवर्स नील बोलो पे। जब ये पेबल फ्यूचर में पे होगा, जब ये पेबल फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले कहेंगे यू कैन डिडक्ट इट बिकॉज इट इज पेड, यू कैन डिडक्ट इट बिकॉज इट इज पेड। तुम इसे माइनस कर सकते हो क्योंकि पे हो गया है। माइनस करने से फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग पर सोच के बताएं क्या असर पड़ेगा? फ्यूचर की करंट टैक्स में टैक्सेबल प्रॉफिट, जब टैक्सेबल प्रॉफिट काम होंगे तो हमें टैक्स फ्यूचर में काम देना पड़ेगा। बन रहा था 40, दे रही है 32, हमें काम देना पड़ेगा। अब इन दो बातों का नाम मैं बताने लगा हूं। पहला डिफरेंस के साथ मैं लिखूंगा इस दिस बीस इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर, और जो उस पर रेट लग के फिगर निकलेगी उसे मैं DTL का नाम नहीं दूंगा आज, आज उसे नाम दूंगा DTA का, डेफर्ड टैक्स एसेट सेविंग इन फ्यूचर। तो बाप भी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने और बेटा भी इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन डिफरेंट, वो प्राचे थे, ये जो है वो जट है। इस 20,000 का कोई नाम बताएं, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। वाई डिडक्टेबल? ऐसे साथ वाले के पास खड़े हो, वाई डिडक्टेबल? इसलिए कि जब पे होंगे तो डिडक्ट होंगे ना, जब पे होंगे तो इट इज डिडक्टेबल इन। आप बताएं हम लाइबल फील करें ज्यादा सवाल कर लिए या एंटाइटल्ड फील करें? जब ये डिडक्ट होंगे तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट, जिन्होंने होंठ नहीं हिलाया वो होंठ हिलाएं, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट कम होने से फ्यूचर का टैक्स सेव होगा। डेफर्ड टैक्स सेविंग, डेफर्ड टैक्स सेविंग। हा 20,000 पे 40% लगाएं, जी क्या चीज? ये एसेट कंफर्म है, ये रिकॉर्ड होगा, टैक्स वालों की हम जान ले लेंगे, ये कंफर्म है, ये तो टैक्स लॉज ने खुद कहा है, जब पे करो तो लेस करो, और हमारी फर्म इंटेंशन है पेमेंट की,
ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दो नंबरी की हुई है। हाँ फ्यूचर में पे नहीं करेंगे तो फिर टैक्स वाले सजा दे देंगे, वो अलग बात है। यार इसका नाम अब डीटीएल नहीं रख रहा मैं, इसका नाम क्या रखना है, डीटीए। हाँ पेपर में ऊपर एसेट स्लैश लाइबिलिटी लिख दिया करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता नीचे क्या पैदा होना है, वो ऊपर की टेंशन ना लें, जो मर्जी नाम लिख दें किसी क्या पता कौन आना है। आसान सी लॉजिक है, पेबल फ्यूचर में क्या होगा, जब पे होगा तो टैक्स वाले कहेंगे इट इज अलाउड एज खर्चा व्हेन पेड, डिडक्ट होगा खर्चे के तौर पर, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, टैक्स बच जाएगा, देना था 40 देंगे 32। लेकिन ये फ्यूचर में सब कुछ होना है तो डिडक्शन नाम नहीं इसका, डिडक्ट टेबल बल बल। और ये डेफर टैक्स एसेट इट इज रिसीवेबल, ये बेनिफिट रिसीवेबल है, अभी अगले साल रिसीव हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले साल आप सोचोगे मेरा टैक्स बनता है 40, इमरान खान कहेगा नहीं 32, कोई मसला नहीं। तो ये जी दो कॉन्सेप्ट थे, फ्यूचर का करंट टैक्स सोचना होता है, लेकिन इंशाल्लाह इसकी अब स्टैंडर्ड में बार बार रिवीजन होनी ना, आज पहला दिन था, कल इंशाल्लाह इसकी मैं रिवीजन करवाऊंगा दोबारा आके। आप अकाउंट बोलें कौन सा खोलूं, डीटीएल का खोलूं, डीटीए का, डीटीए का खोल लें, स्लैश डीटीएल भी लिख सकते हैं, जैसे बैंक और बैंक ओवरड्रॉन होता था, वर्किंग नंबर भाईजन, कल से आप प्रॉपर सवाल शुरू हो जाने हैं, ये दो सवाल बस बेस बनाने के लिए थे, इन्हीं को जाके करें, उधर शायद वॉइस का इशू आया है, तो ये दो पॉइंट पे, एक तो मैंने शुरू में लॉजिक दी थी, एक ये अभी लॉजिक दी है, इस लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड करवा दीजिएगा पूरा ही, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स के भी हैं इसमें। मुझे बता दें उस वर्किंग से एसेट कितना आ रहा है, 31/12 कितना आ रहा है एसेट, 8,000 की इंशाल्लाह सेविंग होनी है फ्यूचर में। और बबलू देख भी लें, फ्यूचर में 40 की बजाय 32 दे रहे हैं, इतने सवाल आसान नहीं हुआ करेंगे आने वाले दिनों में, इस तरह चीजें नजर नहीं आएंगी इतनी इजीली, लेकिन फ्यूचर में सेविंग हो भी रही है हमारी। आप इस चक्कर में ना पड़े, आप बस यहां बताएं कितनी फिगर आनी है, 8,000। ब्रॉड डाउन तो ये बिजनेस ही नहीं था 2020 के एंड पे, 2020 के एंड पे जो बिजनेस था उसी का कैरेट ब्रॉड डाउन आने ना, तो ब्रॉड डाउन 0। साइड सोचें कौन सी, साइड भी सोचें, एंट्री भी सोचें, खर्चा ही आना है, बैलेंसिंग इस अकाउंट में खर्चा ही आना है, कितना, 8,000। एंट्री सोचें, एंट्री वैसे मुझे बताएं, जरियाब ना कर इधर देख, वैसे मुझे बताएं हुजैफा कि खर्चा मैंने कितना बुक कर दिया, 48 तो अजीब सा लग रहा था ना, डिस्टॉर्शन, खर्चा अजीब सा बुक कर दिया ना, 48 होना कितना चाहिए था वैसे लाख पे, क्या इस मेरी एंट्री ने शोर कर दिया, सही कर दिया इसको, खर्चा डेबिट, खर्चा क्रेडिट, आज इधर ही खर्चा क्रेडिट हो गया, कल इधर हो रहा था, इधर ही खर्चा क्रेडिट हो गया, डिस्टॉर्शन रिमूव होगी, पोस्टिंग करवाएं इसकी इधर ऊपर कहीं, पोस्टिंग करवाएं, पॉजिटिव नेगेटिव, खर्चा उलट रहा है ना, खर्चा उलट रहा है, हाँ
हम नारा मारें, अच्छा जी ऊपर लाख आ गया, नीचे क्या आ गया 40,000। नाउ देयर इज नो डिस्टॉर्शन गाइस, इफ यू स्टिल फील डिस्टॉर्शन, देयर इज सम डिस्टॉर्शन इन यू, दिस इज नॉट डिस्टॉर्शन इन क्वेश्चन। आते हैं कुछ मुल्कों से ऐसे अंग्रेज, अब ऐसी अंग्रेजी भी हमने सीखनी है। व्हाट यू आर डूइंग, हम सही समझ रहे होते हैं, पता नहीं क्या कह रहा है। ओके मेरे पास आई क्लास के बाद तुझे बताऊंगा कैसे बोलते हैं। ओके अगला वर्किंग फाइव कर दें, सिक्स तो आपको पता नहीं क्यों कही थी, वर्किंग फाइव कर दें, कैरेड ऑन शेरेड ऑन करके यहां अगर आप सेट मोट कर दें सारा, तो आई विल रियली गिव अ थपकी ऑन योर कंधा आपके साथ तले की तरफ से। जल्दी डेफर टैक्स एसेट एज ऑन 31/12/22, पहले चैमरा उधर ही रखो। जरियाब हाथों में जो भी है, बॉल पॉइंट या मोबाइल, उसको पकड़ के ऊपर करें जरा, हाथों में क्या है, मोबाइल, अच्छा ठीक है। जल्दी जल्दी बी क्विक, मैं फिर उनको चेक बता दूं, पेपर चेक करने वालों को ये वाला सवाल किसी के चेक ही ना करें, वैसे जीरो लगा दें सबके, बेचारे एफर्ट भी करेंगे बाद में पता चलेगा कि दही बनाई हुई अंदर जी। लीज का, अच्छा जी हाँ हो सकता, वर्किंग फाइव एज ऑन 31/12/22, कैरिंग अमाउंट, भैया तुझे जूते मारने आज मैंने जोर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होके देखी तो सही, MCQs 150 पे मुझे बुला के, तो नहर वाले पुलते बुला के, तो खुद गायब हो जाता सी। आज जाने दे यार, जाने दे, तेरे कहने पे MCQ उसका टाइम चेंज किया, और वो एनक वाला तो आया ही नहीं आज। 31/12/22 को ग्रेचुटी पेएबल, गुस्सा निकालें जीरो पे आके, इसको ले जाएं आप, पेएबल है या पे कर दी है, आंडा आंडा आंडे का बेटा आंडा, आंडा वल दांडा, असल में जब पेमेंट होगी ना तो फिर हमारे में और उनमें इख्तलाफ ही नहीं रहा टैक्स वालों में, बस कोई पेएबल है ही नहीं अब किसी को। चलें जी कैरी डाउन को क्या बनाएं, ब्रॉड डाउन, एसेट 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 ही चलाएं, एसेट ही चलाएं, 31/12 कैरी डाउन जीरो, एंट्री जरा कोई बनाए, एंट्री, अच्छा घर जाके आपसे किसी ने पूछना यार ये क्या चक्कर हो गया है, ये अब पिछले साल तुम कह रहे थे सेविंग रिकॉर्ड करो, इस साल आप सेविंग उल्टा रहे हो, जाहिर बात है सेव हो गया 40 की बजाय 32 पे करके आ गए, तो सेविंग अवेल कर लिया आपने, तो डेट्स वाई अगर सेविंग अवेल कर लिया तो सेविंग को क्रेडिट कर दें, बस खत्म। बहरा इतना तो सोचना नहीं मैंने कहा है, बस एंट्री करके सोचना है, एसेट कम
खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ने के लॉजिक इधर बताता हूं क्यों बढ़ रहा है। हमें तो टी अकाउंट से लेकर चलना है चीजों को, खर्चा 40 की बजाय कितना था, 40 तो आना चाहिए था ना, 1,00,000 का 40% 40, खर्चा कितना था, आना कितना चाहिए था, हमारी एंट्रीज ने खर्चे को, अल्लाह का शुक्र है, 40 कर दिया, हमारी एंट्रीज ने खर्चे को 40 कर दिया। खर्चा खर्चा खर्चा, खर्चे के लिए पॉजिटिव साइन हम यूज कर रहे हैं, अब वो ओवरऑल ये वाली ब्रैकेट लगवा दें, ये वाली जो लगवानी है, लाओ टेस्ट, नोट घर जाके बनाइएगा, नोट बन जाएगा, नोट बन जाएगा, एक दो मिनट लगाएं, साथ वाले का नोट चेक करें, भाई सारी क्लासों में नोट्स बांटें, कैमरा ऑन रखें, ये कौन सा वाला टेस्ट था, इसमें ये कौन सा वाला सवाल था, अच्छा हाँ ठीक है, वेल डन आयशा साजिद, 22/22, कोई नहीं है, समान और 21/5, हेमन 21 मार्क्स, सैयद 20 मार्क्स, आयशा इमरान 20 मार्क्स, सीरत फातिमा 19/5, भाई सफेद क्लास में बांट दो ना एंड से, बुशरा सही, टेस्ट मुझे दे दो, किधर है सना, वो खुद बोले ना, आप क्यों बोल रही, नहीं अब नहीं मिलेगा जी, खदीजा 10.5, बरीहा 14, ये मर्दों के टेस्ट उठा लिए तुमने पूछे बगैर। अच्छा मोहतरम आप क्या करेंगे आज होमवर्क में, अच्छा ठीक है, ये वाला सवाल करने हैं, स्टैंडर्ड हाईलाइट करने हैं, और वो जो लीज के 5 सफे समरी में बांटे हैं वो सॉफ्ट में भी अपलोड हुए हुए हैं, उन 5 सफों को अच्छे तरीके से आप कर लें, आगे लीज फिर मौका नहीं देगी, देखिए जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, ठीक है जाना शुरू कर दें, ताहा नईम, आजम वेल डन, उसामा हाँ जी बंद कर दें, वलीद।